तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे iPhone 13 लॉन्च हो चुका, और इसी के साथ साथ यहाँ पे सारे पुराने iPhones के ऊपर Apple की तरफ से ऑफिशियली प्राइस ड्रॉप कर दिया गया। तो आज आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस iPhone पे आपको कितना प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कौन कौन से iPhone Apple की तरफ से डिसकंटिन्यू करे गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन सा आईफोन डिस्कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका iPhone XR, iPhone 12 Pro और 12 Pro Max तीनों ही फोन्स को डिस्कंटिन्यू कर दिया गया है। तो इन तीनों स्मार्टफोन्स के ऊपर आपको Apple की तरफ से ऑफिशियल प्राइस ड्रॉप तो देखने को नहीं मिलेगा, बट दोस्तों आपको Flipkart बिग बिलियन डेज में इन तीनों ही फोन्स के ऊपर काफी अच्छे ऑफर देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है एक्सपेक्टेड प्राइस ड्रॉप की, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा। मैंने उसमें बताया आपको iPhone XR, 12 Pro और 12 Pro Max पे कितना डिस्काउंट मिलने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जो आईफोन डिस्कंटिन्यू नहीं हुए हैं उनके ऊपर आपको कितना ऑफिशियल प्राइस ड्रॉप देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं आईफोन 11 की। तो दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल प्राइसिंग है वो यहाँ पे कर दी गई है 49,990 रुपीज, यानी 50,000 रुपीज की इसकी एमआरपी ऑफिशियली एप्पल की तरफ से हो गई है। तो आप इसे एप्पल स्टोर से, एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट से 50,000 में खरीद सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप इसे फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में परचेस करेंगे तो आपको ये फोन लगभग 42,000-43,000 का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहूंगा 42,000 आपको काफी अच्छा प्राइस मिल रहा है iPhone 11 के लिए। iPhone 12 मिनी की बात करें तो दोस्तों इसका जो प्राइस है वो अब ऑफिशियली कर दिया गया है 60,000 रुपीज। तो आपको बिग बिलियन डे सेल में ये जो फोन है वो लगभग 53,000-55,000 के बीच मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अब हम अगर iPhone 12 की बात करें तो इसकी जो ऑफिशियल प्राइसिंग है वो कर दी गई है 66,000 रुपीज। तो ये जो फोन है वो आपको आराम से 59 से लेके 60,000 तक का मिल जाएगा। तो काफी अच्छा प्राइस मेरे को यहाँ पे लगा है iPhone 12 का। तो जो लोग भी यहाँ पे iPhone 12 परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए काफी अच्छा टाइम, आप बिग बिलियन डे सेल में iPhone 12 परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें अगर iPhone SE 2020 की, तो इसकी जो ऑफिशियल प्राइसिंग है उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे 40,000 का आपको ये जो फोन है वो देखने को मिल जाता है। और आपको पता ही होगा मैं iPhone SE किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट दोस्तों मेरा काम है अभी इस वीडियो में बताना आपको कितना इस पर डिस्काउंट मिलने वाला है। तो बिग बिलियन डे सेल में दोस्तों ये जो फोन है आपको लगभग 25,000-28,000 का देखने को मिल सकता है। तो 25,000-28,000 अगर आप iPhone SE पे खर्च करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपके पास थोड़े बहुत भी पैसे ज्यादा हैं तो आप iPhone XR के लिए जाइए, iPhone SE एक अच्छी चॉइस यहाँ पे नहीं है। तो चलिए साथ ही साथ मैं आपको iPhone XR का प्राइस ड्रॉप बता देता हूँ। वैसे तो दोस्तों ये जो फोन है वो डिस्कंटिन्यू कर दिया गया, बट Flipkart बिग बिलियन डे सेल में आपको इसके ऊपर काफी अच्छा ऑफर मिलने वाला है। ये जो फोन है दोस्तों वो आपको सेल में लगभग 35,000-36,000 रुपए के बीच देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कहूंगा iPhone XR 35,000 में मेरे को काफी अच्छा प्रोडक्ट लगता है। बाकी आप दोस्तों मेरे को कमेंट करके बताइए आप किस iPhone को यहाँ पे परचेस करने वाले हैं और आपको किस iPhone का जो प्राइस है वो सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। वहीं अगर हम बात करें iPhone 13 सीरीज की, तो दोस्तों इसकी जो प्राइसिंग है मेरे को काफी अच्छी लगी। यहाँ पे सेम iPhone 12 सीरीज की जो प्राइसिंग थी उसी प्राइसिंग पे iPhone 13 सीरीज लॉन्च करी गई है। तो यहाँ पे आपको iPhone 13 मिनी का जो प्राइस है वो मिलने वाला 70,000 रुपीज, वहीं iPhone 12 का जो प्राइस है वो आपको मिलने वाला 80,000 रुपीज। तो दोस्तों अगर आप iPhone 13 सीरीज के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी iPhone 13 सीरीज की वीडियो भी बना दूंगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।